हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के बारे में, साथ ही में एसआरके की फिल्म जवान के भी अब तक के टोटल 20 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और सनी पाजी की फिल्म गदर 2 के भी अब तक के टोटल 47 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें टाइगर 3 फिल्म के बारे में। टाइगर 3 एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जो YRF स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होने वाली है, और यह फिल्म टाइगर फ्रेंचाइज का 3रा इंस्टॉलमेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों एकता टाइगर टाइगर जिंदा है के बाद यह फिल्म टाइगर फ्रेंचाइज का 3रा पार्ट होने वाली है, जिसे मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ स्पाई एजेंट के कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म को लेकर जो अपडेट है वो ये है कि इस फिल्म का टीजर हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। सलमान भाई के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन सकती है, क्योंकि दोस्तों YRF स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म 5वीं फिल्म होने वाली है, और स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई है। वहीं दोस्तों, ये कहना गलत भी नहीं होगा कि ये फिल्म अपने पहले दिन 50 से 60 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है, और फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन पठान और जवान की तरह 1000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है, क्योंकि फिल्म की जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। बात करें इस फिल्म के टीजर के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का टीजर हमें कल देखने को मिलने वाला है, यानी कि इस फिल्म का कल धमाकेदार टीजर रिलीज किया जाएगा 27 सितंबर को। साथ ही इस फिल्म के जो टीजर की ड्यूरेशन है वो लगभग 1 मिनट 46 सेकंड की होने वाली है। तो इस फिल्म के टीजर को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, और टाइगर 3 फिल्म जो कि 10 नवंबर 2023 को रिलीज होने वाली है, वैसे आप टाइगर 3 फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, और आप में से कौन कौन लोग इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाने वाले हो। लेकिन अगर बात करें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जवान फिल्म को रिलीज हुए आज 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और 20 दिनों में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से तहस-नहस करके रख दिया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की जो कलेक्शन है वो 3रे हफ्ते में भी काफी ज्यादा शानदार निकल कर आ रहे हैं, जहां पर किसी ने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि यह फिल्म 3रे हफ्ते में भी इतना ज्यादा कलेक्शन करने वाली है, क्योंकि दोस्तों फिल्म का जो 18 दिनों का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो 1000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है, जहां पर यह फिल्म इंडियन सिनेमा की 4थी ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसने इतने कम टाइम में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। और साथ ही यह फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पहली ऐसी इंडियन सिनेमा की फिल्म बन चुकी है जिसने इतने कम टाइम में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिंदी नेट कलेक्शन किया हो, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म ने यहां पर बाहुबली 2 हो, पठान हो या फिर गदर 2 हो, सभी के हिंदी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, और आज के कलेक्शन मिलाकर यह फिल्म बाहुबली 2 का जो हिंदी कलेक्शन है 510 करोड़ रुपए का, उसे भी बीट करने वाली है। तो दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है, और यह फिल्म 1100 से 1200 करोड़ रुपए तक का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। फिल्म एक मास मसाला एक्शन इंटरटेनर फिल्म थी जिसे एटली कुमार ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति दिखाई देते हैं। तो दोस्तों फिल्म का क्रेज लोगों के बीच में इतना ज्यादा है कि यह फिल्म अपने 3रे हफ्ते में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती जा रही है। फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन यह फिल्म अपने बजट को पहले ही रिकवर कर चुकी है, और अपने बजट से तो यह फिल्म कई गुना ज्यादा कमाई कर चुकी है। तो दोस्तों फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 389 करोड़ 88 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया। वहीं फिल्म का दूसरे हफ्ते का इंडिया नेट कलेक्शन 136 करोड़ 10 लाख रुपए रहा। बात करें 16वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म के 16वें दिन के कलेक्शन लगभग 7 करोड़ 60 लाख रुपए रहा। वहीं इस फिल्म ने अपने 17वें दिन पर 12 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए, और 18वें दिन पर लगभग 14 करोड़ 95 लाख रुपए का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया। वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो 19वें दिन का कलेक्शन है उसमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली, क्योंकि फिल्म के 19वें दिन मंडे आ चुका था यानी कि वर्किंग डे, तो फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, जहां पर इस फिल्म ने अपने 19वें दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 6 करोड़ रुपए का कर लिया है। वहीं दोस्तों बात करें आज के कलेक्शन के बारे में, तो आज ट्यूजडे को यह फिल्म यानी कि अपने 20वें दिन पर यह फिल्म ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 5 करोड़ रुपए का कर सकती है। तो इसी के साथ एसआरके की फिल्म जवान
चौहान का अब तक का टोटल 20 दिनों का इंडिया से नेट कलेक्शन लगभग 572 करोड़ यानी कि 572 करोड़ रुपए का हो चुका है। वही फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 687 करोड़ रुपए। बात करें ओवरसीज के बारे में तो दोस्तों ये फिल्म ओवरसीज में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, जहां पर इस फिल्म का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 20 दिनों का ही टोटल लगभग 338 करोड़ रुपए हो चुका है। तो इसी के साथ एसआरके की फिल्म जवान का अब तक का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 1025 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो दोस्तों फिल्म 1025 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से इतिहास रच चुकी है। अब इस फिल्म को 25 करोड़ रुपए की कमाई और करनी होगी, जिसमें यह फिल्म पठान का जो लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1050 करोड़ रुपए का है उसे क्रॉस कर देगी। और आने वाले 4 से 5 दिनों में यह फिल्म पठान का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन बीट करने वाली। वैसे आपको क्या लगता है एसआरके की फिल्म जवान का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होने वाला है, और आपने शाहरुख खान की फिल्म जवान देखी तो यह फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या फिर सुपर फ्लॉप? लेकिन अगर बात करें सनी पाजी की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों गदर 2 फिल्म को रिलीज हुए 1.5 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, यानी कि इस फिल्म को रिलीज हुए आज 47 दिन कंप्लीट होने वाले हैं और फिल्म ने 47 दिनों में बॉक्स ऑफिस से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। दोस्तों किसी ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह फिल्म 500 करोड़ रुपए का हिंदी नेट कलेक्शन कर सकती है, और जहां पर यह फिल्म बाहुबली 2 और पठान जैसी बड़ी फिल्म के हिंदी रिकॉर्ड को पीछे कर सकती है। लेकिन गदर 2 ने वो कारनामा करके दिखा दिया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। तो दोस्तों फिल्म का क्रेज लोगों के बीच में इतना ज्यादा बढ़ चुका था, जहां पर सनी पाजी के जबरदस्त स्टारडम और इस फिल्म की पहले पार्ट की सक्सेस की वजह से फिल्म का दूसरा पार्ट बॉक्स ऑफिस पर इतनी ज्यादा तबाही मचा पाया, क्योंकि फिल्म का क्रेज 7वें हफ्ते में भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर इस फिल्म के सामने बॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज हो चुकी है और जवान फिल्म ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है, उसके बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने 7वें हफ्ते में इतनी कम स्क्रीन में भी जिस तरह से कलेक्शन कर रही है वो एकदम आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म ने जिस तरह से कमाई की है वो कोई भी नहीं भूल सकता, और फिल्म ने अभी तक जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए वो अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास था और इस फिल्म को इंडियन मार्केट में 3500 के आसपास स्क्रीन मिली थी, यानी कि देखा जाए तो इस फिल्म को बाकी फिल्मों की तरह उतनी ज्यादा स्क्रीन भी नहीं मिली थी। और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसके साथ अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज हुई थी, यानी कि दोनों फिल्मों के बीच में जबरदस्त क्लेश देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। तो फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का टोटल 47 दिनों का ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 524 करोड़ 30 लाख रुपए हो चुका है, यानी कि दोस्तों फिल्म को अब सिर्फ और सिर्फ 70 लाख रुपए की कमाई और करनी होगी, जिसमें यह फिल्म पठान का जो लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन है 525 करोड़ रुपए का उसे क्रॉस कर देगी। वही दोस्तों इस फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 621 करोड़ रुपए हो चुका है। बात करें फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो चुका है तो फिल्म का 47 दिनों का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 693 करोड़ रुपए हो चुका है। तो दोस्तों ये फिल्म 693 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। अब आगे देखना होगा फिल्म आगे कहां तक चलती है और इस फिल्म के कलेक्शन आगे कहां तक जाते। वैसे आपने सनी पाजी की फिल्म गदर 2 देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या फिर सुपर फ्लॉप?